बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। फाख्या न्यूज़ के साथ मैं हूँ रुबैया चौधरी। जहाँ हर मर्ज का इलाज किया जाता है, हर किस्म के डॉक्टर पाए जाते हैं, इसी तरह आज हम कबाडेक्सिंग में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है, जिनसे हम पूछेंगे फिजियोथेरेपी आखिर है क्या, क्या लोगों का इसकी तरफ रुझान है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या जस्ट वो MBBS डॉक्टर्स को ही ज्यादा तरजीह देते हैं, और साथ ही साथ ये फ्री मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी इनसे पूछेंगे कि ये क्या कुछ मेडिकल कैंप में करवाएंगे, लोगों को किस तरह की सहूलियात मिलेंगी, मरीजों को किस तरह के मरीजों को चेकअप किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर डॉक्टर साहब आपका नाम? डॉक्टर शहबाज अनवर। डॉक्टर शहबाज अनवर हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि फिजियोथेरेपी है क्या? पर फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन की एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर हम डिफरेंट मोडेलिटीज यानी मशीनों के जरिए, एक्सरसाइजेस के जरिए और डिफरेंट मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के जरिए हम मरीजों का इलाज करते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे अमराज आ जाते हैं, जिस तरह कमर का दर्द, मोहरों का दर्द, कंधों का जाम हो जाना, कंधों का दर्द और गर्दन का दर्द, और इसके अलावा जो है काफ़ी तरह के जो है जोड़ों और पट्ठों के जो दर्द और अमराज हैं उनका इलाज इस तरीके इलाज से किया जाता है। मतलब जिनके घुटनों में दर्द है, बाजू में, कोहनी में, इस तरह के हर मर्ज का इलाज इससे किया जाता है। मॉडलिटीज यानी मशीनों के जरिए, एक्सरसाइजेस के जरिए और मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के जरिए हम मरीजों का इलाज करते हैं, और इस इलाज के अंदर हम जो है उनके स्पेसिफिकली पेन का इलाज करते हैं, दर्द का इलाज करते हैं। और इसमें क्या लिमिट क्या होती है? एक होता है बहुत पुराना मर्ज है, कहा जाता है इसे बहुत पुरानी देर से, मतलब बहुत अरसा हो गया इसे ये दर्द है, तो ये ठीक नहीं हो जाती, मतलब इसका ये है कि फिजियोथेरेपी से वो मर्ज भी ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसमें डिफरेंट डिजीजेस का डिफरेंट पैटर्न होते हैं और उसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, तो हम इसको जो है जब डायग्नोज करते हैं तो उस वक्त हम इसकी जो है रेंज को डिसाइड करते हैं कि किस हद तक जो है इसको बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल, इससे इलाज हो जाता है पुरानी दर्द का भी। तो ये एक टोबा में फ्री मेडिकल कैंप कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी करेंगे इसके बारे में कि फिजियोथेरेपी होती क्या है और उनका इलाज भी करेंगे, तो हम इनके मेडिकल कैंप के बारे में जानते हैं। जी सर, आप मेडिकल कैंप कर रहे हैं, कहाँ भी कर रहे हैं? ये एक फ्री फिजियोथेरेपी प्लस मेडिकल कैंप है जिसके अंदर हमारे एक्सपर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रिफत मलिक, उनकी जेर निगरानी ये कैंप जो है मुनाकिद हो रहा है, और इनके साथ जो है मुख्तलिफ मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, और ये कैंप जो है 20th of June रोज इतवार और सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ये जारी रहेगा। इसके अंदर जो है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं डॉक्टर रिफत मलिक, वो कमर का दर्द, मोहरों का दर्द, शियाटिका जो पेन जो है कमर से नीचे पांव तक जाती है इसका, और कंधे का जाम हो जाना, कंधे के अंदर दर्द होना और पांव का टेढ़ा होना, और डिफरेंट इस तरह की जो डिजीज़ हैं लाइक फालिज हो गया और लकवा, इनका इलाज करें, और जो दूसरे मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो डिफरेंट बीमारियां जो है आम बीमारियां उनका इलाज करें। जी टोबा में फ्री मेडिकल कैंप लग रहा है फिजियोथेरेपी के लिए, जो कि बरोज इतवार 20 जून को होगा, और सर मेडिसिन वगैरह भी इसमें फ्री दी जाएंगी या पैसे देने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उसके अंदर जो है मरीजों को इन मुतल्लिका अमराज की जो अद्वियात हैं वो भी फ्री दें, और उनके जो है तशखीस है वो भी फ्री होगी, और आगे जो फॉलो अप के लिए इंशाल्लाह उनको जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, मरीजों को चेक भी किया जाएगा और उन्हें फ्री मेडिसिन भी दी जाएंगी फिजियोथेरेपी के जरिए। और सर आपको क्या लगता है, टोबाडेक्सिंग एक छोटा सा शहर है, ज्यादा देखा जाए तो इसके इर्द गिर्द देहात है, तो क्या लोगों के अंदर इसके मुताबिक अवेयरनेस है, लोग इससे ज्यादा ले रहे हैं सीरियस? जी बिल्कुल, अभी कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो अभी लोगों को देहातों के अंदर भी पहुंच गई है, लेकिन हम इस जो है शरह तनासब को इंशाल्लाह बढ़ाने के लिए अभी इसी कैंप को जो इस कैंप को कर रहे हैं, तो इस कैंप के जरिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसकी टोबाडेक्सिंग की जो सराउंडिंग के अंदर इसकी अवेयरनेस और ज्यादा हो जाए और लोगों को पता चल जाए कि ये जो सारे के सारे अमराज हैं, पुराने हों या अभी मतलब नहीं कि क्रोनिक हों या एक्यूट हों, तो इन दोनों को जो है फिजियोथेरेपी के जरिए भी डील किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा मर्ज है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी देखा जाए तो हर दूसरे
दूसरा बंदा इसका शिकार है आजकल, किसी के कोहनी में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी को कमर का मसला है, तो कमर का मसला तो हर दूसरे बंदे को है, अगर इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है तो हम लोग देर क्यों कर रहे हैं, कल पछताने से बेहतर है आज इसका इलाज करवा लिया जाए जी। अगर फ्री कैंप लग रहा है तो जो हालात आजकल चल रहे हैं कोरोना के, कोरोना बेशक कम हो गया है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, उसके SOPs पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसी के बारे में भी जान लेते हैं। सर, अभी कोरोना SOPs के मतलब क्या वहाँ पे आप लोगों ने किया हुआ है? जी हम इंशाल्लाह जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे, उनके मुताबिक ये है कि हम वहाँ पर सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे और मास्क हर बंदे के लिए कंपलसरी होएगा, और इसके अलावा जो है हम सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखेंगे। तो हम मरीजों से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन तीनों जो प्रोसीजर्स के साथ जो है वो अपना इलाज के लिए तशरीफ लाएँ और हम इंशाल्लाह इनकी खिदमत के लिए जो है वहाँ पर हाजिर होंगे। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। फ्री मेडिकल कैंप में आपने कोरोना SOPs का ख्याल रखना है, और आप लोगों के लिए एक ऑफर ही से कहा जा सकता है, जहां पर आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इतनी महंगी महंगी फीसें लेकर जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो आपको फ्री मेडिकल कैंप जिसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मेडिसिन भी उनकी कोशिश होगी आपको फ्री दी जाए और आपका इलाज भी किया जाएगा, तो आप लोग भी इस मेडिकल कैंप में तशरीफ ला सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं 20 जून को, और इंशाल्लाह दोबारा अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रुबैया चौधरी को दीजिएगा इजाजत, अपना और